मेरा गला दो बार। अभी गाड़ी कौन सी पोजीशन में है तुम ये बताओ। रुकी हुई है गाड़ी, रुकी हुई गाड़ी है, गाड़ी स्टार्ट, तो गाड़ी तुम्हारी स्टार्ट है रुकी हुई है लेकिन, ठीक है तुमने कुछ भी ना रखा, ब्रेक ना क्लच ना कुछ, अभी गाड़ी में क्या है न्यूट्रल पोजीशन में है, कोई गियर नहीं लगा हुआ है, तो पहले फर्स्ट गियर तो लगाओगी, यही तो बता रहे हैं पिछले 1 घंटे से। अरे पहले क्लच तो दबाओ, पहले क्लच दबाओ तो गियर लगाओगी, बगैर क्लच दबाए गियर ना चेंज होता ना लगता है। वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। आई एम फाइन, होप यू विल ऑल फाइन। तो धूप बहुत देर बाद निकली है, देख रहे हैं आप, अभी जाके ये धूप निकली है, कई दिन के बजे हैं 2। मैंने अभी ही किया है लंच और मैं आज उठा भी देर में हूँ, मम्मी पापा लोग यहाँ पे धूप सेक रहे हैं 2 के 2। और आज का जो है प्लान वह है, निहारिका से कमिटमेंट की थी तो उसने फरमाइश की थी कि मेरे को सीखनी है 4-व्हीलर चलाना, क्योंकि वो उसको 2-व्हीलर चलाना नहीं आता, साइकिल चलानी नहीं आती है, डायरेक्ट 4-व्हीलर चलाना सीखेगी, तो उसको सिखाना है, लेकिन उसको सिखाना है बहुत ज़्यादा टफ टास्क। तो आज का है पहला ट्रेनिंग का दिन, देखते हैं वो क्या कर रही है। अभी तक हम लोग को लंच करके उसने बर्तन धो रही थी, अब देखते हैं क्या कर रही है। वो क्या करती है ना, ऐसे सुधारती है कैसे ये, हाँ चलना है कि नहीं चलना है ट्रेनिंग में, चलना है चलना ट्रेनिंग में, चलना है। चलो फिर उठो, अभी नहीं 15 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद चलो, 15 मिनट इंतजार करते हैं इसका, 15 मिनट बाद के तैयार हो जाएगी, दोबारा उठाऊंगा इसको, अगर आज तैयार हुई तो इसको सिखाना स्टार्ट करेंगे, नहीं हुई तो फिर प्रोग्राम फिर कैंसिल कर देंगे। मजे लिए जा रहे हैं पूरे, धूप है जो ओना कर रहे हैं धोया, अच्छा धूप घाम को मुख नहीं दिख रहा है, घाम का मुख नहीं दिख रहा है, मतलब घाम और मुख नहीं दिख रहा है, मतलब घाम का मुंह नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मम्मी लोग थोड़ा कुमाऊनी वर्ड ज़्यादा यूज करते हैं ना, तो कल हम लोग जब गए थे सफेदाबाद, तो यहाँ पर एक ग्राउंड टाइप का, मतलब ग्राउंड क्या, कुछ बच्चे खेले थे, थोड़ा दलदल टाइप का इलाका है, थोड़ा आजकल क्या है पानी सूखा हुआ है, तो मैं निहायिका को पहले वहीं ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, कि मैंने कहा कि रोड पे डायरेक्ट अगर लेके आऊँगा पता चला कुछ हो गया गड़बड़ तो दिक्कत हो जाएगी, तो सच्चा है कि पहले से थोड़ा ग्राउंड में इसको सिखाता हूँ कि स्टीयरिंग कैसे घुमाते हैं, ब्रेक कैसे मारते हैं, क्लच कैसे मारते हैं, इसे थोड़ी ट्रेनिंग वैसे देता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि निहायिका चला पाती है नहीं चला पाती है। आज तो पहला दिन है इसका, खुश हो तुम आज हैं? चलो आज मैंने, जब मैं पहली बार स्कूटर चलाया था ना, तो मैंने 5-15 चक्कर मारे थे फील्ड के, तो मैं पूरी रात भर नहीं सोया, पूरी रात भर कभी स्कूटर चला रहा था, कभी हेलीकॉप्टर चला रहा था, ऐसे नहीं, मेरे सपने पूरी रात भर ऐसे आ रहा था, मतलब उस दिन की खुशी थी जिंदगी में, क्योंकि मैंने साइकिल पहले ही चलाना सीखा, पहले मैंने स्कूटर ही चलाना सीखा हुआ, तो मतलब ये होता है देखो कहानी। अभी आज निहारिका भी पहली बार चलाएगी गाड़ी, तो क्या पता मे भी इसके भी रात भर सपने में यही आते रहे कि ये गाड़ी चलाते रह रही है। वैसे मैंने 2-3 लोग को पहले सिखाया हुआ है, तो मैं सोचता हूँ कि निहारिका भी क्या पता चलाना सीख जाए, लेकिन निहारिका को थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जिन लोगों को मैं सिखाया था वो लोग 2-व्हीलर चलाना जानते थे, 2-व्हीलर चलाना जानते थे, तो उनको थोड़ा ये रेस रेस ब्रेक ब्रेक का थोड़ा अंदाजा था, इसको कुछ नहीं मालूम, नीलबट्टे सन्नाटा है हिसाब किताब निहारिका का। साइकिल चलानी आती है तुमको? निहारिका को साइकिल चलानी भी नहीं आती है ना, दिक्कत यह है, साइकिल चलानी आती तो पहले हम इसको स्कूटी चलाना सिखाते, अब बुढ़ापे में क्या स्कूटी से नीचे गिरना है इतनी बार, इसलिए काई चलाना सीख लो, फायदा मेरे को भी हो जाएगा ना उससे। सामने वाला मैदान था, यहाँ हम देखे थे कि यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे भी खेल रहे हैं, इतने ज़्यादा बच्चे खेल रहे हैं, तो अगर हम वहाँ गाड़ी चलाना सीखेंगे पता चला कोई बच्चा अच्छा दौड़ते हुए या बॉल पकड़ते हुए आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्पेस अभी बहुत कम है, साइड भैंस चल रहे ना, यहाँ पर पानी है, उस साइड पर जहाँ पर वो बच्चे खेल रहे थे वो पूरा ग्राउंड खाली था, तो देखते हैं कोई दूसरा ग्राउंड अगर मिल जाए तो हमको। तो निहारिका जी तैयार हो गई, क्या क्या बताया था हमने तुमने, क्या क्या करना है को बोला है, पहले क्या दबाना है, एक्सीलेटर, पहले एक्सीलेटर दबाना है, अच्छा फिर क्या है, फिर इसको एक्सीलेटर के यहाँ गियर डालना है और ब्रेक कब दबाओगी आप बताएंगे
हमने बता दो था तुमको अभी। तो नहीं का ट्राई कर रही है, सामने अभी बड़ी उससे एक फील्ड मिला हुआ है, थोड़ा सा अच्छा है तो इसमें ट्राई करते हैं। चलो 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 ठीक ठाक, क्लच दबाओ, क्लच एक्सेलेटर में दबा देना गलती से अभी। हाँ हाँ क्लच दबाओ, क्लच दबाओ, फर्स्ट गियर डालो, स्टेरिंग तो पकड़ो हाथ से, फर्स्ट गियर डालो ऐसे। हाँ बस ऐसे हल्के 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 छोड़ो। अरे ब्रेक का दबा रखा कहाँ, ब्रेक कहाँ दबाया है? चलो चलो फिर से फिर दबाओ उसे, क्लच 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 क्लच। हाँ हाँ एक्सेलेटर वो दो, चाबी दबाओ, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, फिर एक्सेलेटर दबाओ, चाबी हल्का एक्सेलेटर तो देना पड़ता है, दबा के पूरा। हाँ फिर क्लच दबाओ, जैसे धीरे धीरे उसको छोड़ोगी ना क्लच को, तो धीरे 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 एक्सेलेटर को हल्के हल्के प्रेस करना है, एकदम से नहीं। चलो धीरे धीरे, हाँ याले पाँव से उसको ऊपर को करना है वाला पाँव, नीचे हाँ इतना तेज नहीं, हल्के हल्के, इतना तेज में तो गाड़ी पहुँच जाएगी उतनी दूर। चलो अरे यार तो कितनी बार चार, चलो चलो हाँ हल्के हल्के खुल नहीं देना, अब क्लच छोड़ो ना हल्के हल्के, ये एकदम से छोड़ जाता है। हाँ तो एकदम से तुम छोड़ना है, हल्के हल्के क्लच छोड़ना है, हल्के हल्के ब्रेक दबाना तो है। कर ले रहे थे यार। चलो अभी तुम अभी क्या करो, सीधे वो करो, क्या गाड़ी स्टार्ट करो और खाली क्लच क्लच छोड़ना, ठीक है? खाली क्लच एक्सीलेटर मत दो। अरे फिर तो तुमने एकदम से झटके में छोड़ दिया तुमने फिर से। अरे ये कौन घुमा दे रही हो, दबाओ क्लच दोबारा, हाँ दो दबाओ, ये रुक जाओ, क्या दबाए? हाँ अब वो क्या, वो गाड़ी स्टार्ट करो चाबी से। हाँ पहले यहाँ पाँव हटाओ क्लच से, हाँ करो चाबी, हाँ चाबी तो, चाबी स्टार्ट तो करोगी गाड़ी, इसको ऐसा क्या कर रही हो, एक ही बार में हाथ होते जा रही घूम घूम करके। एक ही बार तो किया मैंने। कहाँ एक बार किया है, 50 बार कर दिया। चलो क्लच दबाओ, फर्स्ट गियर डालो, पूरा दबाए ना। हाँ पूरा तो दबाओगे, अब क्या करना है, क्लच तो पूरा ही दबाना पड़ता है। हाँ लग गया गियर, ऐसे लाते हैं ये, कहाँ लगा है, अब लगा है। चलो छोड़ो धीरे धीरे क्लच, आराम आराम से छोड़ना, और उसको दबाए एक्सेलेटर को छोड़ दो अभी कुछ देर बाद, छोड़ो 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 छोड़ो, हल्के 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 हल्के, तो क्लच भी वो एक्सेलेटर भी दबा दो। बता रहे हमसे क्या था, फर्स्ट गियर में गाड़ी उठ जाएगी अभी आराम से ना, क्योंकि सीधा सीधा मैदान था, उठ जाती है गाड़ी, तुम कर नहीं पा रही हो, एकदम झटके में छोड़ ली इसलिए। चलो जल्दी जल्दी करो, हल्के हल्के एक्सेलेटर देना, हल्के 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 एक्सेलेटर, जैसे अभी धीरे धीरे क्लच छोड़ो ना हल्का सा, क्लच छोड़ते होते धीरे धीरे उसको दबाना है, ये तुम झटके में एकदम से ऊपर कर दे रही हो क्लच को यार। मैं तुम अभी पूरा ट्रेनिंग बताया सब कुछ, अपने खुद ही मैंने इसे पूरा बताया है कि कैसे कैसे छोड़ना है। हाँ पूरा छोड़ दे क्लच। हाँ पूरा तो छोड़ना पड़ता है फिर क्लच, अब इधर को तो घुमाओ, वहाँ कहाँ आगे देखो भैया, चलो 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 हल्का हल्का एक्सीलेटर दो, हल्का हल्का देना एकदम से तेज में दबाना। तो फाइनली निहारिका ने चलाना स्टार्ट कर दिया, सीधे लेके जाओ आगे की ओर को, ये हाँ ऐसे गोल गोल मत घुमाओ भैया, आराम आराम से, आराम आराम से, बहुत तेज चला रही हो, हल्के हल्के करो, एक्सीलेटर मत दो इतनी तेज, एक्सीलेटर मत दो इतनी तेज। हाँ ये पता नहीं कहाँ आ रहे थे, तुमसे बोला था ग्राउंड के चौक से चक्कर मारने, इतना कर ले फिर बाद में, ठीक है इतना कर लो पहले। चलो खुद देखो पसीने से डर के मारे हाथ हाँ भर के, लेकिन ग्राउंड है ना तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इतने तो बस हो गया, एक्सीलेटर एक बार ने स्टीयरिंग घुमा दिया ना डर के, तो उसके हाथ छोड़ ही नहीं रही है स्टीयरिंग, वह ऐसे ही मेरे को गोल 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 गाड़ी पलटेगी और कुछ नहीं होगा। तुमको क्या बोला था कि स्टीयरिंग छोड़ के अपनी पोजीशन वापस आता है, इतना कौन घुमाने को बोला था, उधर को घुमाने को बोला तो उधर को घुमा दे रही हो। हाँ अब घुमाओ उधर को, ठीक है अब सीधे से इसके बाद सीधे कर लेना हैंडल को, छोड़ दो उसको, हाँ बस अब ऐसे घुमाना आगे जाके, ठीक है ऐसे ही घूम उधर को, घुमाओ 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 घुमाओ, हाँ पूरा नहीं काटना पर हो गया, इतने से काम बन जाता है, इतने मुड़गी ना गाड़ी तुम्हारी, पूरा ऐसे गोल घुमा दे रही हो, जैसे यहाँ पर क्या बोलते हैं सर्कस में आई होगी, उधर को करो सीधा, हाय हाय ये अब स्टीयरिंग छोड़ना थोड़ी है, स्टीयरिंग पकड़ के रखोगी तभी तो, ये देखो ये ऐसे ये आपको तो बड़ा इजी लग रहा है, इतने दिन से आप चला रहे हैं, इजी नहीं लग रहा है तो हमको, तो हम तुमको हम टफ टास्क है,
इजी है तो हैंडल तो मोड़ना, तो मैं तो ऐसा हो गया ऐसे ट्रक का स्टीयरिंग मोड़ी होगी। ठीक ठीक हम कर लेंगे। आए उधर को ले जाओ, ये कहाँ जा रही है उधर को? हाँ वो गाड़ी अपने आप चलेगी। हाँ उधर को जा रहे हैं ये देखो, अब इसने मोड़ दिया ना तो अभी इधर ही इधर पे चक्कर मारते रहेंगे। आप देखिएगा अभी तो ठीक है, देखते हैं। घुमाओ 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 घुमाओ, सीधे ले आओ भैया। तो टायर सीधा नहीं होगा तो कहाँ से जाएगी सीधी गाड़ी? अभी तुमने मोड़ आया ऐसा करके, ये देखो गाड़ी पूरी मुर्गी तुम्हारी यहीं पर, देखो ये पूरी गाड़ी मुर्गी यहाँ पे। अब सीधा छोड़ देना है ना। हाँ अब सीधा करो, यूँ छोड़ना नहीं है सीधा, तो हाथ से घुमाओगे नहीं। हाँ तो यहाँ से यूँ लेके आओ, अब ऐसे देखो घुमाओ ये बस, ये अब ऐसे कर लेना है ये बस। हाँ दो हल्का सा एक्सीलेटर, क्या एक्सीलेटर और जो क्लच है वो मुझे एक ही जैसा नाम लग रहा है। शाम के करीब बज गए 5:30, ठीक है। दो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, एक इधर एक इधर। यहाँ वाला स्टूडेंट लैपटॉप लेके बैठा हुआ है और यहाँ वाला स्टूडेंट मोबाइल लेके बैठा हुआ है। दोनों को सिखा रहा हूँ मैं क्या, ये हैं गाड़ी चलाने वाले, ठीक है। आज गाड़ी चला रखी दबा के, मम्मी करिए वीडियो अपलोड, पहले मोबाइल से लिया ट्रांसफ़र करके अब यूट्यूब पे, वो पहले लैपटॉप पे पेस्ट किया, अब यूट्यूब पे अपलोड करने की भाई चली मम्मी की। दो के दो बहुत टप टप स्टूडेंट है, मतलब टप क्या मतलब यहाँ बोला कि ब्रेक दबा तो फुल एक्सेलेटर दबा दिया, खेत पे था खेत था तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ी, हमने भी हैंड ब्रेक खेत के अपनी जान बचाई। यहाँ बोला है क्या बोलते हैं, जो वीडियो डालना है वो वाला कॉपी करना है, कॉपी दूसरा वाला करके रखा हुआ है उस पर। यह है कि हम भी गुरु अच्छे बन के सिखाएंगे जरूर दोनों को, है ना, हमको सिखाना जरूरी है। दोनों स्टूडेंट बड़े बेचारे भी गए हमारे दोनों स्टूडेंट टप टास्क है। पापा का अपना सीन अलग है, पापा का देखो वही अपना टाइम चल रहा है टी वी, पापा का सिर्फ सिर्फ मतलब है टी वी से, वो आराम से बैठ के देखते हैं टी वी बस हो गया। पापा आप भी कुछ चालू कर लो। ठीक चलो मम्मी को सिखाता हूँ फिर मिलते हैं। सो फ्रेंड्स ये था पूरा दिन का शेड्यूल, मम्मी को सिखा दिया लैपटॉप पे वीडियो अपलोड करना, निहारिका को सिखाई है गाड़ी, अभी निहारिका को लगेगा टाइम, तो अभी निहारिका को लगेगा टाइम गाड़ी सीखने में, क्योंकि उसके लिए मुझे लग रहा है कि ज़्यादा टफ टास्क होगा ये गाड़ी सीखना। आपको आज का ब्लॉग कमेंट लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरा आने वाला ब्लॉग आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड।